SSC CHSL 2019 fail. आज तक मैंने आप लोगों को ये बताया है कि मैंने SSC CGL 2020 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है. CGL तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, बट CHSL का मेरा जो ये फेलियर्स था ये मैंने आप लोगों को के साथ कभी शेयर नहीं किया है. तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भावनाज वंडरलैंड. सो इंट्रोडक्शन से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में है. आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फेलियर की जर्नी को शेयर करने वाली हूँ. ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन बनेगा, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं मेरी जर्नी. SSC CHSL 2018 जिसका एग्ज़ाम जुलाई 2019 में हुआ था, इसका प्री का एग्ज़ाम, और ये मेरा पहला एग्ज़ाम था. इसकी तैयारी मेरी कुछ खास हो नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा ग्वालियर में मेरा एक एग्ज़ाम था, मैं DL.ED कर रही थी, तो उसका जस्ट जुलाई जून में एग्ज़ाम होता था, और जस्ट मैं आई थी 30 जून को और 9 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था. तो मैं प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाई, और मेरा प्रिपरेशन कुछ खास हुआ भी नहीं था. जो मॉक्स लगाते हैं ये सब चीज़ें मैंने, मुझे पता भी नहीं थी कि मॉक्स लगाते हैं, तो ये सब कुछ भी मुझे नहीं पता था. बस मैं आई और मुझे लगा कि मैंने तैयारी तो कर ही ली है, मैंने क्योंकि कोचिंग वगैरह ले रखी थी, तो मुझे लगा मेरी तैयारी हो गई है. बस मैंने थोड़े जो हार्ड कॉपी में मॉक्स वगैरह आते हैं उनको सॉल्व कर लिया. लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि उस टाइम TCS वेंडर चेंज हो चुका है, मतलब TCS वेंडर आ गया था, पहले के वेंडर चेंज हो चुके थे. और ये मुझे कुछ पता नहीं था कि क्वेश्चन का पैटर्न अलग आएगा या कुछ आएगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था. बस मैं ऐसे ही एग्ज़ाम में चली गई और जाकर के मैंने एग्ज़ाम दिया. मेरा पहली बार एग्ज़ाम था, कंप्यूटर में देने का एक्सपीरियंस पहली बार हुआ, ठीक एक्सपीरियंस रहा, पर मुझे इतना समझ आ गया था कि पता नहीं कट ऑफ भी पार होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ का डर मुझे था. तो फिर उसके बाद जब मैं वापस घर आई, मुझे लगा कि मतलब एक अंदर से फीलिंग आ जाती है ना कि शायद नहीं होगा, फिर भी एक आशा थी कि आंसर की आने दो. आंसर की आई, मेरे कुछ 120 मार्क्स बन रहे थे, फिर रिजल्ट आया 129 हो गए नॉर्मलाइज्ड होकर के, कट ऑफ आई 133 थी. चार नंबर से मेरा एग्ज़ाम, मेरा प्री क्लियर नहीं हो पाया. मतलब थोड़ा तो बुरा लगा मुझे, लेकिन मुझे तभी, मेरा पहला अटेम्प्ट था ये, तो मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे पता नहीं मोटिवेशन ही आई. भले ही ये फेलियर था, पर मैं फेलियर से बहुत ज़्यादा हार नहीं मानती हूँ. मुझे ऐसा लगा कि जब मैं तैयारी कर नहीं पाई थी, अभी तो मुझे बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था, तब मैंने इतना लेकर के आ गई और चार नंबर से बस कट ऑफ छूटा है मेरा, तो क्यों ना मैं थोड़ा मेहनत कर लूँ, और तब तो मेरे और भी अच्छे नंबर आएंगे. मैंने इस तरीके का अपने आप को सांत्वना दी, और ये बहुत सही भी था. तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं कोई फॉर्म भरने वाली नहीं हूँ एक साल, जो कि बहुत गलत डिसीजन था, पर मैंने यही डिसाइड किया. मैंने सोचा कि अब मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी, और तभी मैंने तैयारी करना शुरू किया बहुत अच्छे से. पर फिर भी मेरे प्रिपरेशन नहीं हो पाई, क्योंकि फिर मेरा एग्ज़ाम था ग्रेजुएशन का दिसंबर में, तो वो 2 दिसंबर लास्ट तक चला, आई थिंक कि वो नवंबर लास्ट तक चला. और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि जैसे ये मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म होता है, मेरा सेकेंड ईयर था वो, तो वो उसका जैसे ख़त्म हुआ एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का, तो मैंने तुरंत, आई थिंक मैंने 2 दिसंबर को प्रिपरेशन अच्छे से फुल फ्लेज्ड स्टार्ट कर दी. मैंने पहली बार कोर मॉक्स परचेस किए, टेस्ट बुक का मॉक मैंने पहली बार लिया था, और मैंने मॉक्स लगाने शुरू किए. फिर मैंने देखा कि कहाँ पे मेरी कमी है, क्या प्रॉब्लम रह गई. एक्चुअली मैंने ये प्रिपरेशन इसलिए स्टार्ट की थी क्योंकि CHSL 2019 का एग्ज़ाम मार्च में शेड्यूल्ड था, और मैं उसकी तैयारी 3 महीने में बहुत अच्छे से करना चाहती थी. तो मैं बिल्कुल बहुत ही जी जान से लग गई कि मुझे ये एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर करना ही है, और वो 3 महीनों में मैंने बिल्कुल पागलों की तरह पढ़ाई की थी. इतनी ज़्यादा मेरी, मतलब पूरी, मैंने अपने YouTube की वीडियोस जो मैं बताती रहती हूँ कि मैंने ये वीडियो देखी, वो वीडियो देखी, मैंने उसी टाइम देखी है सारी वीडियो मैंने 3 महीने में देखी. और इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है 3 महीने में. बाद में मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई, पर 2019 में की CHSL का तैयारी मैंने इस 3 महीने में बहुत ही अच्छे से की, और
उसके बाद फिर मेरा मॉक का मार्क्स धीरे 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 करके बढ़ने लगा। मैं बहुत ही एनालिसिस करती थी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब तो मैं बताती ही रहती हूँ, पर इस तरह से मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ने लगे और एक कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ कितनी रहती थी, 133, 134 इतनी ही रहती थी, और एग्ज़ाम में मेरे नंबर आने लगे थे 150 तक। तो मुझे इतना का कॉन्फिडेंस आ गया कि इस बार कट ऑफ क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इतना हो गया। फिर आया मार्च 2020 का टाइम, सबको पता है उस टाइम क्या हुआ था, कोविड आ गया, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए। 22 मार्च को मेरा एग्ज़ाम था, 22 मार्च को ही पूरा इंडिया क्लोज हो गया उस दिन, और मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था उस टाइम कि इतनी मेहनत करने के बाद अभी मैं अगर एग्ज़ाम देती तो मेरा ज़रूर क्लियर हो जाता, और शायद उस टाइम कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं। लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, उसके बाद का फेज़ मेरा बहुत बुरा बीता है, कोविड का फेज़, वो तो खैर मेरी पर्सनल बात है। उसके बाद अक्टूबर में एग्ज़ाम रीशेड्यूल्ड हुए जब कोविड के केसेस थोड़े कम हो गए। मेरा एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को था, मैंने उस टाइम भी फिर जैसे एग्ज़ाम के डेट्स आए मैंने तैयारी फिर से शुरू कर दी। तैयारी ठीक ठाक हो ही गई थी, बस उसको थोड़ा सा अच्छा करना था, और करते 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 मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा एग्ज़ाम इस बार बहुत अच्छा जाएगा और मेरा इस बार पक्का क्लियर हो जाएगा प्री। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं अक्टूबर के एग्ज़ाम में तो चली गई, पर वहाँ पे मेरी मिसफॉर्च्यून, मेरी बैड लक इतनी ज़्यादा मेरी किस्मत उस टाइम में मेरे साथ नहीं थी कि मुझे मेरे साथ कितना बुरा हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया, लेकिन मुझे लिटरली पता नहीं कहाँ से मिस हो गया, क्या हुआ। आई कार्ड जो होता है वो ओरिजिनल लेके जाया जाता है, ये मुझसे मिस हो गया। मैं जेरोक्स कॉपी लेके चली गई आधार कार्ड की, और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि जेरोक्स नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए, आप ओरिजिनल लेके आइए। जब मैं ओरिजिनल लेने के लिए गई, ऑब्वियसली ई आधार कार्ड्स निकल जाते हैं, मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं था उस टाइम, मुझसे निकाला ही नहीं गया मेरा ई आधार कार्ड, और कुछ था नहीं मेरे पास ओरिजिनल आईडी। तो बस मैं वहीं सिर पीटती हुई अपने स्कैन्ड कॉपी मैंने मंगवाई और स्कैन करके मैं लेके गई, पर उन्होंने मुझे एंट्री दी ही नहीं, उन्होंने कहा कि ओरिजिनल ही चाहिए। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत नई थी, मुझे ऐसा लगा कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये क्यों एंट्री नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत रोई, मतलब लिटरली मैं यहाँ पे आपको फोटोज आपको लगाऊंगी। मैं बस स्टैंड में बैठी हुई थी रोने के बाद की मेरी पिक्चर्स, मैंने पता नहीं क्या सोच के उसको क्लिक कर लिया। मैं ये सोचती थी कि शायद आगे चल करके जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तो मैं देखूंगी, शायद इसी आशा में एक मेमोरी रखने के लिए। पर आज देख करके बहुत ही मतलब याद आता है तो बहुत बुरा लगता है मुझे वो टाइम, क्योंकि मैं इतना रोई थी। वहाँ के लिटरली गार्ड्स वगैरह सब के सब तरस खाने लगे थे, वो कह रहे थे फिर जाके बोलो, क्योंकि मैं इतना रो रही थी, मैं बिल्कुल मतलब टूट चुकी थी। मेरे पापा भी बहुत उदास हो गए थे, सब कोई, मेरे पापा गए थे, पापा भी बहुत उदास हो गए थे, वो मुझे डांटेंगे क्या कि तुम आई कार्ड लेके क्यों नहीं आई। वो मुझे देख के ही वो बहुत तरस खा रहे थे, मतलब मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऑब्वियसली अगर आप इतना मेहनत करोगे और आपके साथ ऐसा होगा तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना बुरा लगता है। वो बहुत बुरा दिन था मेरे लिए, लेकिन फिर मैं अपने आप को बिल्कुल समेट करके कि चलो इस बार हो गया, मेरे CGL में ये गलती मैं नहीं करूँगी, ये सोच करके, क्योंकि CGL ही ऑफकोर्स मेरे लिए मेरा ड्रीम था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होना चाहिए CGL। सारी गलतियाँ अभी हो जा रही है तो हो जाने दो, मैंने ये सोच करके अपने मन को शांत करके घर गई मैं। उसके बाद फिर मेरी प्रिपरेशन शुरू हुई और मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की। फिर मैं, हम एक ग्रुप में जुड़े थे और उस ग्रुप में मैंने जुड़ करके, कुछ 4-5 लोग थे, हमने ऑनलाइन ही अपने ऐसे मॉक के मार्क्स शेयर करना, उसमें कुछ हमारे जो मेंटर सर थे वो थोड़ा हमें गाइड करते थे कि किस तरह से करना, प्रैक्टिस करना, मैथ्स की डाउट्स क्लियर करना, सब कुछ करना। और मैंने उस समय बहुत अच्छे से, उसके बाद की जो तैयारी थी ना वो मतलब मेरी क्रीम तैयारी थी, जो मैं दिसंबर से लेकर के मैंने अप्रैल तक बहुत ही अच्छे से तैयारी की। और फिर अप्रैल 2021 में हमारा CHSL 2020 का एग्ज़ाम हुआ।
इस एग्ज़ाम की तैयारी मैंने बहुत अच्छे से कर ली थी, मेरे मॉक में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, मेरे कई बार मेरा रैंक लिस्ट में भी, जो टेक्स्ट बुक के रैंक लिस्ट होते थे उसमें भी एक दो बार मेरे नाम आ गया था टॉप 10 में, और मुझे मतलब इतना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, तो मैं अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के साथ मैं एग्ज़ाम में गई। पर इस बार तो एंट्री तो मिल गई, क्योंकि इस बार मैंने वैसी कोई गलती नहीं की थी, एंट्री मिल गई। अंदर जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं क्या बोलूँ, मतलब CHSL में मेरा बैड लक पूरा अच्छे से रहा है। तो मैं जस्ट अंदर गई, मेरे मुझे उसके बाद फिर सबसे पहले मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करती हूँ, इंग्लिश अटेम्प्ट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट कर दी। उसके बाद मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करती थी तभी, अब नहीं करती थी, बाद में सीजन में मैंने ये नहीं किया, पर तभी मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करती थी। रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी बड़े होते हैं, वो एक स्क्रीन पे नहीं आते हैं, उसके लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ता है। मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ माउस का जो स्क्रॉल बटन है वो काम नहीं करता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया, स्क्रॉल हो ही नहीं रहा है, मुझे लगा ये स्क्रॉल बटन ख़राब है। मैंने आसपास देखा लोगों को कि मतलब कोई मतलब गाइड खड़े होंगे, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। तो मुझे लेटेस्ट को मैंने देखा, लेकिन वहाँ कोई खड़ा नहीं था, किसी से मैं पूछ नहीं पा रही थी। मैंने कोशिश की स्क्रॉल करने की, मैं स्क्रॉल ही नहीं हो रहा है, मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ मैं। मुझे इतना भी नहीं समझ आ रहा कि वो ड्रैग वाले बटन से कर लूँ ड्रैग, मुझे तभी दिमाग ही काम नहीं करता है, क्योंकि आप जिस चीज़ के लिए यूज टू हो गए ना, आप वही करने की कोशिश करोगे। फिर ड्रैग करने की मैं कोशिश कर रही थी, पर हो भी नहीं रहा था अच्छे से, वो स्क्रीन में जो ड्रैग होता है वो नहीं हो रहा था मुझसे। मैंने क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया, जो क्वेश्चन स्क्रीन फुल स्क्रीन में दिख रहा था वो अटेम्प्ट किया। फिर जब बाद में इन्विजिलेटर्स दिखे मुझे, तो उनसे मैंने पूछा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है, तो उन्होंने कहा ये काम नहीं करता है यहाँ पे। मेरा तबीयत बिल्कुल ही, दिमाग ही ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने इस तरह से किसी तरह से पूरा पेपर अटेम्प्ट तो किया, पर मेरा दिमाग इतना ज़्यादा, मतलब इतना पैनिक कर गई थी मैं, इतना सॉलिड पैनिक कर गई थी कि मैथ के क्वेश्चन भी मुझसे बन नहीं रहे थे एक बार में, और बस GK को अटेम्प्ट किया मैंने, मैथ के क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, और फिर रीजनिंग के क्वेश्चन भी कई बार छूट गए, कई छूट गए। मैथ तो बहुत ही ख़राब रहा मेरा, रीजनिंग भी की कोशिश की मैंने फिर भी बना रही की, क्योंकि उसमें वो थोड़ा आसान रहता है। इस तरह से मैंने पेपर कंप्लीट किया, मेरे कुछ 70 something अटेम्प्ट रहे थे, 73 अटेम्प्ट रहे थे, और ये इतने अटेम्प्ट करके, जबकि मैं जब मॉक देती थी मेरे मॉक में 90 से कम कभी अटेम्प्ट नहीं रहता था, और 73 अटेम्प्ट मेरे लिए बहुत ही बुरा था। मैं इतना दुखी होकर के मैं निकली, फिर मैंने आकर के अपने मेंटर को बताया, वो भी बहुत ज़्यादा निराश हो गए, क्योंकि उन्हें भी मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। मुझे मतलब इतना मुझे बुरा लग रहा था, और मैं इतना टूट सी गई थी, मुझे लगा कि मेरा इस बार भी प्री क्लियर नहीं होगा। पर पता नहीं ऐसे थोड़े बहुत नंबर आ गए, तो मेरा कट ऑफ तो अच्छे मतलब बैरियर से क्लियर हो गया, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लगा था उस टाइम। मुझे ऐसा लगा था अगर मैं ऐसे करूँगी तो मेरा CGL, क्योंकि CGL जस्ट आफ्टर 2 months था, मुझे ऐसा लगा अगर मैं ऐसी बेवकूफ़ी करूँगी, मतलब मेरे अंदर एक डर समा गया कि एग्ज़ाम हॉल में मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और मैं इतना उस समय डर गई। उसके बाद मैंने मतलब बहुत दिन तक मैं रोती रहती थी, 10 दिन तक लगभग, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा, मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि आखिर गलतियाँ कहाँ कहाँ रह जाती है, यहाँ से आपको मेरी सक्सेस जर्नी दिखेगी। अब सुनो कि फेलियर को मैंने सक्सेस में कैसे बदला, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। सिर्फ ये चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि हम अपनी कमियों पे ध्यान दें, आखिर कहाँ प्रॉब्लम रह रही है। दुखी होना ठीक है, 10 दिन तक मैं भी दुखी थी, बहुत दुखी थी, इतना रोती थी, मेरे से ज़्यादा कौन ही रोएगा, मैं तो इतना रोती हूँ अपने फेलियर्स पे, पर रो लो, लेकिन उसके बाद ऊपर जाना है। उसके बाद ये नहीं कि रो करके बस बैठ गए, अब तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद मैंने क्या किया मैं बताती हूँ, मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज किया। सबसे पहली प्रॉब्लम मुझे ये दिखी कि मैं पैनिक कर रही हूँ एग्ज़ाम में। तो पैनिक क्यों होता है? पैनिक मोस्टली होता है कि लास्ट टाइम पे आप एग्ज़ाम के पैनिक करते हो, शुरू में तो सब चिल रहते हैं क्योंकि टाइम बहुत रहता है, लास्ट में पैनिक होता है। मैं क्या करती थी, मैथ को लास्ट में अटेम्प्ट करती थी, और मैथ मेरा वीक पॉइंट था, मैथ मेरा वीक पॉइंट है, और उसको मैं लास्ट में अटेम्प्ट कर रही हूँ, वो तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाऊँगी पैनिक में। इसीलिए मैंने फिर किया कि मैथ को मैं उठा करके मैंने सेकेंड में रख दिया, सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग,
और उसके बाद लास्ट में जीके, क्योंकि जीके में तो कुछ आपको कुछ करना ही नहीं होता है, आपको क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट करोगे और नहीं आएगा तो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो इसलिए इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर किया। उसके बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की कि इतना पैनिक होता क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिस में कमी हो रही थी। तो प्रैक्टिस में कमी हो रही है तो यहाँ पे ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाऊंगी। तो मैंने और भी लो प्लेटफॉर्म्स के मॉक परचेस किए, ग्रेड अप किया, ऑली बोर्ड किया और मैंने सारे मॉक्स लगाए, क्योंकि मुझे ये था कि मतलब मैं इतना मॉक अभी लगा लूँ, मतलब इतना ज़्यादा अभी प्रैक्टिस कर लूँ कि एग्ज़ाम में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई पैनिक ना हो, और ये स्ट्रैटेजी मेरी काम की। उसके बाद मैंने एक और किया कि मैंने एक एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, बैंकिंग का एक आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम होता है, उसका फॉर्म मैंने भर दिया। और मतलब मैं प्रिपरेशन कुछ भी नहीं की, मैं मुझे बस था कि मुझे एग्ज़ाम में जाके बैठना है सीजीएल से पहले। सीजीएल थोड़ा सा डिले हो गया था, सीजीएल हमारा हुआ अगस्त में, क्योंकि फिर से कोविड आ चुका था तो सीजीएल डिले हो गया। और बहुत मेरी किस्मत होगी, लक होगा जो एग्ज़ाम डिले हो गया, वरना अगर मैं 2 महीने बाद अगर देती तो शायद मैं उसमें भी गड़बड़ कर देती, क्योंकि मेरे अंदर एक डर समा गया था। फिर मुझे याद है 8 अगस्त को मेरा सीजीएल, मेरा आरआरबी का क्लर्क वाला एग्ज़ाम था और 16 अगस्त को मेरा मेंस था। मैंने 8 अगस्त को जा करके आरआरबी वाला एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मेरा कोई पैनिक नहीं हुआ, मैं आराम से मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए। मैथ्स के तो पूरे अच्छे से कर लिए थे, क्योंकि मैथ्स तो ईजी रहती है, रीजनिंग भी मैंने कर लिया था। हाउएवर वो एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हुआ था, 0.5 से छूटा, पर मैंने प्रिपरेशन तो की ही नहीं, रीजनिंग तो उसकी बहुत अलग थी, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हो गया कि मतलब अब मुझे एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मैं आराम से अटेम्प्ट कर रही थी, फॉरवर्ड कर रही थी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही थी, फॉरवर्ड कर रही थी, बस टाइम खत्म हो गया, इतना ही हुआ, रीजनिंग पूरा सॉल्व, 2-3 क्वेश्चन छूट गए रीजनिंग के, बस इतना, बाकी मेरे आराम से अटेम्प्ट हो गए थे। तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया उसके बाद। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल करके, उसके बाद मैंने सीजीएल का तो बस 8 दिन बाद एग्ज़ाम था, तो थोड़ी बहुत मैंने रिफ्रेश किया और मैं सीजीएल में जा कर के अपियर हुई और मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा प्री। और इस तरह से मैंने अपने फेलियर को सक्सेस में बदला, एनालिसिस की। तो ये चीज़ें मैं अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मैंने आज तक पहले कभी शेयर की नहीं इस प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें भी बताना बहुत ज़रूरी होता है। हम सिर्फ अपना चार्म बताते हैं, ये भी एक हमारा फेज होता है, कि बुरा फेज भी होता ही है सबकी लाइफ में यार, फेलियर्स किसके नहीं होते। फर्स्ट अटैम्प्ट कोई बता देता है कि मैंने सीजीएल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, पर उसके लाइफ में भी फेलियर्स रहे होंगे। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सक्सेस ही है उसकी लाइफ में, फेलियर्स सबकी लाइफ में रहते हैं। जैसे मेरा सीजीएल फर्स्ट अटैम्प्ट था, पर सीएचएसएल में तो फेलियर्स मिला ना मुझे। इस तरीके से फेलियर्स होते हैं, पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये फेलियर से निराश होकर के बैठ जाओगे या फिर आप फेलियर को सक्सेस में बदलने के लिए मेहनत करोगे। अगर आप मेहनत करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका सक्सेस आपके कदमों को चूमेगा। सो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको मोटिवेशन मिला होगा और आप भी बहुत मेहनत करोगे और मेहनत करने के बाद आप भी सक्सेसफुल होगे और मुझे आकर के बताओगे अपनी सक्सेस स्टोरी। सो आज की वीडियो में तो इतना ही था, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।